Hello everyone, how are you? We have studied about inequality in previous lecture. What is inequality and how to solve an inequality? What is the rule for solving inequality? Today is the turn for doing exercise. I have written here four questions from exercise 6.1. Okay, first question is 24x smaller than 100. So solution part first. Solution part first, 24x smaller than 100. Now x smaller than 100 upon 24, matlab ye ho gaya 6, ye ho gaya 25, or x smaller than 4.1. तो अब यहां सॉल्यूशन पार्ट नंबर फर्स्ट, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो एक्स का सॉल्यूशन होगा क्या? 1, 2, 3, 4. When x belongs to integer, अगर x integer से belong करता है तो solution क्या होगा? तो solution होगा आपका, ये तो होगा ही होगा integer में, और क्या बढ़ जाएगा आपका, negative side बढ़ जाएगी, -3, -2, -1, 0 भी solution होगा, 1, 2, 3, 4 तो होगा ही. Okay, इस तरीके से हमने पहली inequality का solution found किया. Second पर चलते हैं. सेकेंड इनइक्वलिटी है हमारी माइनस ट्वेल्व एक्स ग्रेटर देन 30 डिवाइडेड बाई माइनस ट्वेल्व से जब डिवाइड करेंगे तो एक्स स्मॉलर देन हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमने बताया था अगर इनइक्वलिटी को हम किसी भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन हैज चेंज्ड. तो साइन यहाँ चेंज करना पड़ेगा हमें, ग्रेटर देन था स्मॉलर देन करना पड़ेगा. तो 30 अपॉन माइनस 12 मतलब एक्स स्मॉलर देन माइनस टू पॉइंट फाइव. पहला केस है कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो पहले केस में व्हेन एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन, नो सॉल्यूशन. क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू माइनस टू पॉइंट फाइव से कम होनी चाहिए, नेचुरल नंबर में नेगेटिव नहीं आता. नंबर सेकेंड, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर तो सॉल्यूशन पार्ट क्या होगा? एक्स इक्वल टू डैश डैश डैश. ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन पार्ट में केवल नेगेटिव नंबर आने वाले हैं, और नेगेटिव नंबर भी कौन से? -2.5 से स्मॉलर. तो आपका सॉल्यूशन पार्ट होगा -5, -4, -3. दैट्स ऑल. ओके, तो अब आते हैं थर्ड पर. 5x-3 स्मॉलर देन 7. नंबर थर्ड, 5x-3 smaller than 7. ओके, यहां दो कंडीशन है, एक्स बिलोंग्स करता है इंटीजर से और एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर से. दोनों ही केस में हमें सॉल्यूशन निकालने, तो पहले तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे 3 ऐड करके दोनों तरफ. तो इधर हो जाएगा 5x, इधर हो जाएगा 10. अब 5 से डिवाइड कर देते हैं तो एक्स स्मॉलर देन टू. पहला केस, x belongs to integer. तो सॉल्यूशन पार्ट क्या होगा? x equal to x belongs to integer. सॉल्यूशन पार्ट होगा ऑल द नेगेटिव नंबर्स -2, -1, 0 और 1. ठीक है, बिकॉज x इज स्मॉलर देन 2 तो इंटीजर में ये सॉल्यूशन मिलेगा. व्हेन x belongs to रियल नंबर, अगर x रियल नंबर से बिलोंग करता है तो सॉल्यूशन होगा x belongs to -infinity, smaller than 2, -infinity, 2, 2. यहां पर रियल नंबर के सॉल्यूशंस में फ्रैक्शन भी आ जाता है. ओके, सब पार्ट आ जाएंगे. अब नंबर फोर्थ इज क्वेश्चन नंबर 4, 3x+8 greater than 2. तो यहां 8 दोनों तरफ क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें. तो 3x greater than -6. अब 3 से डिवाइड कर दें, x greater than -2. अब पहला केस है कि इफ x इज एन इंटीजर तो सॉल्यूशन पार्ट होगा, अगर x इंटीजर है तो सॉल्यूशन पार्ट क्या होगा? -2 से छोटी वैल्यूज, तो -4 एंड -3. ठीक है, अब व्हेन इफ
x इज अ रियल नंबर, तो सॉल्यूशन पार्ट क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू, क्लियर, माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू, माइनस टू इज नॉट इंक्लूडेड हेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्यूशन मांग रहे हैं रियल नंबर के लिए, ओके, लिखते हैं उनको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, हमें x की वैल्यू निकालनी है किसके लिए, रियल नंबर के लिए, तो पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर फाइव, 4x प्लस 3 स्मॉलर देन 5x प्लस 7, ओके, तो अब यहां पर क्या करेंगे हम, 7, 3 माइनस 7 स्मॉलर देन 5x माइनस 4x, तो 3 माइनस 7 माइनस 4 स्मॉलर देन x, तो x इज ग्रेटर देन माइनस 4, x इज ग्रेटर देन माइनस 4, तो सॉल्यूशन पार्ट क्या होगा आपका, सॉल्यूशन ऑफ या सॉल्यूशन ऑफ x, x belongs to x is greater than minus 4, तो x belongs to minus infinity to minus 4, ओके, ये आपका सॉल्यूशन हुआ रियल नंबर्स में। फिफ्थ और सिक्स्थ, 3x minus 7, 6 inequality is 3x minus 7 greater than 5x minus 1, क्या करना है, 1 को इधर ले आइए, तो माइनस 7 प्लस 1 ग्रेटर देन 5x माइनस 3x, अब माइनस 6 ग्रेटर देन 2x और 2x स्मॉलर देन माइनस 6, x स्मॉलर देन माइनस 3, सॉल्यूशन पार्ट रियल नंबर में क्या मिलने वाला है हमें, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये है स्मॉलर देन और इक्वल टाइप इन इक्वलिटी। क्वेश्चन नंबर 7, 3x माइनस 1, क्लियर, 3x माइनस 1 स्मॉलर देन और इक्वल टू, स्मॉलर देन और इक्वल टू 2x माइनस 3, क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो 3x माइनस 3 स्मॉलर देन इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 6, ओके, अब 2x को इधर ले आइए, तो 3x माइनस 2x स्मॉलर देन और इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6 प्लस 3, और यहां से x स्मॉलर देन और इक्वल टू माइनस 3, अब सॉल्यूशन क्या होगा आपका, x बिलोंग्स टू, x की वैल्यू रियल नंबर में हमें निकालनी है, x बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो x की जो वैल्यू होगी वो माइनस 3 के इक्वल हो सकती है या माइनस 3 से छोटी होगी, तो आपका सॉल्यूशन पार्ट होगा माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3 क्लोज्ड इंटरवल, माइनस 3 इज इंक्लूडेड हेयर, ओके। नाउ 7 हो गया, 8, 3, क्वेश्चन नंबर 8 है 3, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 1 माइनस एक्स, ओके, तो यह हो जाएगा 6 माइनस 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 माइनस 2x, क्लियर, अब 2 को इधर ले आइए, तो 6 माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3x, ठीक है, यहां बचेगा आपका 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू x, तो x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 4, x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 4, तो सॉल्यूशन पार्ट होगा आपका x बिलोंग्स टू स्मॉलर देन और इक्वल टू 4, मतलब माइनस इंफिनिटी टू 4, 4 इज इंक्लूडेड हियर, क्लियर। 8, 9, 9 क्वेश्चन नंबर 9 है x प्लस x by 2 प्लस x by 3 स्मॉलर देन 11, तो इस इनइक्वालिटी में फर्स्ट पहले हम क्या करेंगे, x को ले लेते हैं कॉमन, x को ले लिया कॉमन, क्या मिला हमें, 1 प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 3 स्मॉलर देन 11, ओके, x, अब यहां LCM ले लिया क्या हमने, 6, तो 6 प्लस 3 प्लस 2 स्मॉलर देन 11, x, ये क्या होगा, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, 11 by 6 स्मॉलर देन 11, तो x
इज स्मॉलर देन 11 मल्टीप्लाइड 6 बाई 11, 11 से 11 कट हो गया, x की जो वैल्यू हमें मिलने वाली है वो x इज स्मॉलर देन 6, क्लियर, x इज स्मॉलर देन 6, x belongs to real number, then what will be our solution part? Solution set gives me x belongs to, x is smaller than 6, x is smaller than 6, so minus infinity to 6, x is not included in the solution set, clear? Now come to question number 10, question number 10 is x by 3 greater than x by 2 plus 1, okay, now arrange this inequality in the form of x, so x by 3 minus x by 2 greater than 1, now take the LCM here, LCM लिया है तो 6 आ गया, आप 2x minus 3x greater than or equal to 1, तो minus x by 6 greater than 1, now multiplied it by minus 6, the sign of inequality has changed, minus 6 से multiply किया हमने, तो यहां मिलेगा मुझे x is smaller than minus 6, x is smaller than minus 6, then our solution set will be x belongs to minus infinity to minus 6, clear, this is our solution part of question number 10, question number 11, 3x minus 2 by 5 smaller than and equal to 5, 2 minus x by 3, this is also the inequality of smaller than and equal type, now convert it, transpose 3 from here and 5 in the right hand side, now 3 are 9, 9x minus 2 smaller than or equal to 25, 2 minus x, clear, so 9x minus 18 smaller than or equal to 50 minus 25x, clear, आप 25x, 9x plus 25x smaller than or equal to हो जाएगा 50 plus 18, तो this gives me 34x smaller than or equal to हो जाएगा 68x smaller than or equal to 2, तो what will be our solution part? Our solution part will be x belongs to minus infinity to 2. Closed interval. Okay. Question number 12. 1 by 2. 3x by 5 plus 4 greater than or equal to 1 by 3 x minus 6. Clear? Ab. देखिए 3 को आप इधर ले आइए तो 3x by 5 plus 4 greater than or equal to हो जाएगा 2x minus 6 के, now 9x upon 5 plus 12 greater than or equal to हो जाएगा 2x minus 12 के, अब 9x by 5 minus 2x greater than or equal to हो जाएगा minus 12, क्लियर, नाउ 9x माइनस 10x अपॉन 5 मतलब माइनस x अपॉन 5, 9x माइनस 10x अपॉन 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा माइनस 24 के, तो x स्मॉलर देन और इक्वल टू हो जाएगा 120 के, तो सॉल्यूशन सेट इस केस में क्या होगा, x का सॉल्यूशन सेट होगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 120 is in solution part. Okay. Now comes to question number 13. 13 hai apna 2x plus 3 minus 10 smaller than 6
एक्स माइनस टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x प्लस 6 माइनस 10 स्मॉलर देन 6x माइनस 12, क्लियर। अब देखिए 4x माइनस 4 स्मॉलर देन 6x माइनस 12, 6x माइनस 12, तो माइनस 4 प्लस 12 स्मॉलर देन 6x माइनस 4x, यहाँ क्या बचा आपका 8 स्मॉलर देन 2x, और x इज ग्रेटर देन किसके, 4 के, x इज ग्रेटर देन 4, तो सॉल्यूशन पार्ट होगा आपका x बिलोंग्स टू, x इज ग्रेटर देन 4, x बिलोंग्स टू 4 टू इनफाइनाइटी, ओके। तो इन दिस मैनर वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। अब ये एक्सरसाइज बड़ी है, इसमें 26 क्वेश्चन हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके। तब तक के लिए बाय बाय। तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, बाय बाय।